जवान फिर लगने लगे हैवान की तरह, काम वो हर बार कर रहे शैतान की तरह। सोचा न था वो इस तरह बदल देंगे पेशा, पूजा था जिसे उम्र भर भगवान की तरह। अब अलवर में डॉक्टर बने हैवान। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अलवर में कैंसर पेशेंट के गले में कीड़े पड़ गए तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। अब ऐसे डॉक्टरों का क्या किया जाए जिन्हें उनकी जिम्मेदारी बदबू लगने लगे, जिन्हें मरीज की जिंदगी से ज्यादा अपने हाथ साफ रखने में दिलचस्पी हो। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, जो जिम्मेदारी मिली थी वो उन्हें बदबू लगने लगी। 64 साल के प्रभु दयाल शर्मा कैंसर पीड़ित हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गले में पाइप लगा दिया गया, लेकिन जब बात पाइप बदलने की आई तो कोई तैयार नहीं हुआ। समाचार पत्रों को पढ़ने से मालूम हुआ है और मैंने CMHO अलवर को उसकी सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया। फ्रैक्चर रिपोर्ट जानकारी प्राप्त करने आए हैं तो कुछ जो कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि हैं और मेरा स्टाफ भी है, मैं भी हूँ, आप लोग सब साथ हैं। हमने यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त की है और इसके स्टेटमेंट लिए हैं। जो परिजन है साथ में गए थे उन्होंने मतलब जो है डॉक्टरों को दोषी बताया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर LP बंसल से शिकायत की गई तो उन्होंने बदबू का हवाला देते हुए पीड़ित और परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तेल छिड़काव का नुस्खा बताया और ग्लव्स पीड़ित के बेटे के हाथ में थमा दिया। ये तो कंप्यूटर है, तू एक कंप्यूटर हायर कर ले और कंप्यूटर को अपने जो से 500,000 जो भी क्षमता बने तेरी वो दे देकर उसको और वो तेरे घर पे कर जाएगा। कहते तू हॉस्पिटल क्यों लेके आता है इसको, हॉस्पिटल लेके आता है, अभी हमारा काम नहीं है। कहता ये इसको खुद कर, तो कहता ये घर पे कौन करता है। मैंने कहा सर मैं करता हूँ, तो हम यहाँ पे क्यों लेके आए। ग्लव्स पहना दिए, ग्लव्स पहनाने के बाद भी मुझे कहता है कि ले इसको खड़ा हो जाए यहाँ पे, ये कीड़े निकाल सारे। मैंने सर ये मेरे तो हाथ कांप रहा है सर, मेरे को पहली बार ऐसे देख के मेरे को डर लग रहा है सर, आप करो। तो फिर उसको डॉक्टर दूसरा आला आया, उसने कहा कि देखो क्या है, तो उसने यूं निकाल के मेरे सुख, अरे यार लगा इसको लगा दे जो है इसको भेज इसको भाई। बार बार उनकी बेरहमी सामने आ ही जाती है। वो भले ही समझे जाए भगवान की तरह लेकिन काम दिख रहा है शैतान की तरह। मरीज की बीमारी देखकर उन्हें घिन आती है और बदबू उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, भले ही तनख्वाह उठाने में कोई शर्म नहीं। अलवर से मुदित गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। तो ये पहली घटना नहीं है जब डॉक्टरों का इस तरीके का रवैया सामने आया। कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, उस वक्त भी कार्रवाई की बात की गई। एक बार फिर से यह मामला सामने आया है, फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन मूल सवाल वही है कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सूरज सोनी भारतीय जनता पार्टी के नेता, BP मीणा साहब उपाधीक्षक हैं SMS अस्पताल के, और निशा पारिक समाजसेवी, आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल आज बीपी मीणा साहब आपसे ही है, आखिरकार डॉक्टर्स का ये रवैया क्यों, जो काम आपका है वो काम आप क्यों नहीं करते। इस बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सोसाइटी के अंदर जिस तरह से सारे लोग होते हैं, एक आम आदमी होता है, उस तरह से चिकित्सक भी उसी सोसाइटी के एक पार्ट है। तो सभी लोगों को बिना किसी घिन के और इस तरह के जो डेड एंड जो लाइफ जो एंडिंग स्टेज में जिस तरह के मरीज है उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह की रिपोर्ट आपने प्रस्तुत करी अगर ये वास्तव में सही है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास में दुनिया में सबसे बड़ी चीज एक होती है कि सेवा, और गरीब आदमी की और पीड़ित आदमी की सेवा दुनिया में सारे पुण्यों से बढ़कर है। और मेडिकल प्रोफेशन की जो एक इज्जत है, एक मान सम्मान के हिसाब से जो सबसे ऊपर माना जाता है, वो सिर्फ उसके सेवा भाव की वजह से देखा जाता है। तो अगर इस तरह के मरीज को अगर मना किया गया है तो वो गलत है, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और उसके अलावा दूसरा पार्ट ये भी है कि सोसाइटी में अगर इस तरह के लोग हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। अभी लेटेस्ट में स्वाइन फ्लू हुआ तो इसके अंदर बहुत गंभीर मरीज आए जिनके कांटेक्ट की वजह से डॉक्टर की जान जा सकती है, तो उन्होंने बड़ी तत्परता से और ईमानदारी से और बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने सेवा करी है। तो जिन लोगों ने अच्छी सेवा करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं वो काबिले तारीफ है। और जो इस तरह के मरीज, कम से कम कैंसर के मरीज की इतनी दयनीय स्थिति होती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते,
तो मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह के मरीज के बारे में इस तरह की बात कही है तो ये थोड़ा गंभीर मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है और ये मानवता के और इंसानियत के हिसाब से और एक इंसान होने के ऊपर थोड़ा सा एक आपकी जो क्वालिटी है उस पे कहीं कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो इसलिए आपने स्वीकार तो किया कि जो हुआ वो गलत हुआ इंसानियत के नाते या डॉक्टरी के पेशा के नाते भी। निशा पारिक जी, इस तरीके की जब घटनाएं घटित होती हैं तो क्या आम लोग सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के प्रति उनका रवैया बदलता है? जी बिल्कुल, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को जमीन पर कहा गया है और जितना जनता का इनके साथ में विश्वास होता है और सबसे ज्यादा यदि जिम्मेदार पद यदि माना जाए तो डॉक्टर का होता है, जब एक सरकारी डॉक्टर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब देता है कि जब स्थिति यह है मरीज की कि वो बिल्कुल मरण आसन पे है, उस स्थिति पे हम समझ रहे हैं कि एक साधारण आदमी उस इस चीज का इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि फोड़े फुंसी पे भी अगर साधारण आदमी दवा लगाता है तो एक बार मन में एक अजीब सी भावना आती है कि हम इस चीज का इलाज करें, उस स्थिति में यदि डॉक्टर ये कहता है कि घाव में से कीड़े तुम खुद निकालो तो इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं हो सकता। जनता का इनके साथ में विश्वास बंधेगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मन में एक भावना आएगी कि कल को कहीं डॉक्टर ये ना कह दें कि सारे दर्जी डॉक्टर हो जाए, क्योंकि तुम्हें काटना भी आता है और सिलना भी आता है, जो छोटा मोटा ऑपरेशन है तुम खुद कर सकते हो। तो ये सारी भावनाएं हैं जो कि आहत करती है सामान्य साधारण। सुरेश सोनी जी, जयपुर सचिवालय से जो आदेश पारित होता है, तमाम ऑर्डर्स इश्यू किए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी भी स्वास्थ्य विभाग के आदेश पारित करते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, अलवर से कुछ दिनों पहले बीकानेर से तस्वीर आई, सरकार को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं। धर्मराज जी, निश्चित तौर पे ये अमानवीय घटना है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे डॉक्टर हो चाहे अधिकारी हो, और ये सबसे बड़ा जो पैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो एक भगवान का दर्जा लोगों ने दे रखा है, तो इस पैसे के बाद भी लोग इस प्रकार के बर्ताव करने, सच में निंदनीय घटना है। बात सरकार की जाए तो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मार्च की जो घटना बीकानेर में हुई थी और मैं इस चर्चा में यहाँ पे मौजूद था और हमने कमिटमेंट किया था 24 घंटे में जांच हुई और जांच के बाद में दोनों डॉक्टर सस्पेंड हुए वहां पे। उसके बाद में दो दिन पहले ट्रोमा हॉस्पिटल में मंत्री जी खुद पहुंचे और जब बस सुलूक की गई मरीज के साथ में जो वहां पे डॉक्टर से मिलने आए थे तो उनको तुरंत बर्खास्त किया गया। इसके बावजूद भी ये लोग सबक नहीं ले रहे तो ये 24 घंटे में इनकी भी जांच हो जाएगी। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन बात ये है कि आज समाज के अंदर इनको सीख लेकर के जो लोग इनके पास में आ रहे हैं वो इनकी तरफ इस नजर से देख रहे हैं कि वो इनकी सेवा करें, इनकी मदद करें, तो बजाय मदद करने के इस प्रकार के आक्षेप लगा करके उनको बेइज्जत किया जाता है मरीजों को। आपने सस्पेंशन की बात कही, सस्पेंशन तरीका सही हो सकता है या नहीं, निशा पारिक से मैं बाद में जानूंगा, पहले अमिताभ जी को चर्चा में ले आऊं। अमिताभ जी, लगातार घटनाएं सामने आ रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, डॉक्टर्स की भावनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, कोई भी घटना ऐसी घटती है तो उसका जो भी राजनीतिक नुकसान है वो सरकार को होता है, सिस्टम को राजनीतिक नुकसान नहीं होता, क्योंकि सिस्टम थोड़ी ना राजनीति में है। राजनीति में जो होता है उसको सिस्टम के अच्छाइयों का फायदा मिलता है और सिस्टम की खराबियों का नुकसान मिलता है, ये बात सोनी जी अच्छे तरीके से जानते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको इतनी समझ है कि वो जानते हैं कि जब सरकार प्रशासन अच्छा काम करता है तो उसका खाते में पॉलिटिकल पार्टी के जाता है और खराब करता है तो वो भी उसके खाते से जाता है। मैं दो तीन बातें कहूंगा। अब ये बात कहना हम लोग बिल्कुल बंद कर दें भगवान सेवा मदद कुछ नहीं, ना आप भगवान हैं, ना आप सेवा करते हैं, ना आप मदद करते हैं, आप खालिस नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आप प्रमाद कर रहे हैं, आपराधिक निग्लिजेंस क्रिमिनल निग्लिजेंस कर रहे हैं, इसलिए आपको जेल जाना चाहिए। बस भगवान भगवान वाला चैप्टर बंद कर दीजिए, उस वो सब बहुत हो गया हिंदुस्तान में, जपते जपते माला, उसका कोई अर्थ बचा नहीं। अब बीसियों घटना मेरे दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही है, राजस्थान की बीसियों घटना, किस किस को छोड़ दूं, कहां संदेह का लाभ दे दूं, बेनिफिट ऑफ डाउट कहां कहां देता जाऊं, ऊंट का इंजेक्शन आदमी को लगा दो बोले जी सेवा कर रहे भगवान है, 15 साल का बच्चा मर जाए कोई इलाज करने नहीं जाए अस्पताल में बोले भगवान है, 5500 रुपए का खून गरीब आदमी लेके आए उसमें पानी हो छोड़ दो बोले जी भगवान है सेवा कर रहे, कोई परोपकार नहीं कर रहे, कोई उपकार नहीं कर रहे,
जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सड़क पर खड़े होने के पैसा ले रहा है भारत और राजस्थान सरकार से, मास्टर स्कूल में पढ़ाने की ले रहा है, तहसीलदार गांव में खसरा खतौनी ठीक रखने की पैसा तनख्वाह ले रहा है, वैसे डॉक्टर तनख्वाह ले रहा है। इसमें भगवान खुदा अल्लाह कहां से आ गया ना? इतना ऊपर मत चढ़ाइए। मूल प्रश्न है आपकी जो नौकरी है, आपने उस नौकरी में क्रिमिनल निग्लिजेंस की, आपराधिक उपेक्षा की, इसकी सजा क्या है? सूर्य सुनी जानते हैं आपराधिक उपेक्षा हो नौकरी में तो उसका दंड क्या होना चाहिए? उसका दंड सस्पेंशन नहीं होता सूर्य सोनी जी ना। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मैं आपको याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला, एक मामला गया सस्पेंशन के खिलाफ, तो जो वादी था, जो याची था, उसने कहा जी हमको सजा दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सस्पेंशन सजा नहीं है। नो, सजा मिलनी चाहिए, सजा, सस्पेंशन सजा नहीं है। तनख्वाह आधी रहती है, बाद में जब आप बहाल होते हैं तो तनख्वाह वापस मिल जाती है, ब्याज सही, क्या दिक्कत है? घर पे पैर फसार के सो आप, नहीं ये आई वॉश है। जब तक इन लोगों के ऊपर जो भी लोग अपनी ड्यूटी में प्रमाद करते हैं, ये खुशबू बदबू, ये तय आपको इस प्रोफेशन में आने से पहले तय करना चाहिए था। डीओ लगा के मरी जाएगा, डॉक्टर साहब से दिखा ले, मुझे कोई मरीज बता दीजिए जो ब्यूटी पार्लर से सीधे अस्पताल आता हो और रोज ब्यूटी पार्लर जाता हो अस्पताल से, कि डॉक्टर साहब को थोड़ा खुशबू लगे। आज हम तमाशा है भाई, सिपाही जो जनता से कह सकता कि भाई आप खुद ही ट्रैफिक संभाल लो, बोल सकता है क्या? नहीं ना। मास्टर कह सकता किसी बच्चे के पिता से कि तुम खुद ही पढ़ा लो, नहीं कह सकता ना, तो डॉक्टर कैसे बोला? सोनी जी इनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, मुकदमा, हुकूमत राजस्थान को चाहिए मुकदमा लिखाइए, दो चार पांच घटनाओं में मुकदमा होगा, सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। हमें भगवान नहीं चाहिए ना, जिस बात की तनख्वाह लेते हैं वो काम करिए, समझ गए ना आप सोनी जी? सरकारी खजाने से जो भी टैक्स का पैसा जनता का है, जो तनख्वाह में ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी है जो उसका कार्य है उसका निष्पादन करे। इसमें कहां कोई रॉकेट साइंस बोल रहा हूं क्या? सेवा मानवता कुछ नहीं जी, आपकी नौकरी है ये करने की, और क्या, किस बात की नौकरी है? बाकी काम मुरारी बापू कर रहे हैं, मानवता को रास्ता दिखा रहे हैं। डॉक्टर जिस काम के लिए है वो काम करे, कंपाउंडर जिस काम के लिए है वो काम करे, नर्स जिस काम के लिए वो काम करे। निशा पारेख कोई गलत तो नहीं कहा ना? नहीं सर, बिल्कुल इसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं। सोनी जी को गलत बोल दिया क्या? इसी बात की तनख्वाह जा रही है मेरे टैक्स के पैसे से सोनी जी? जी इसी बात की जा रही ना? बिल्कुल। तो इसमें पर खुदा और अल्लाह और भगवान बताने की क्या बात है भाई? आप तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में डॉक्टर ही था जो उसका इलाज कर सकते थे। मैं तो निशा पारिक में इमोशनल इश्यू नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूँ ये हार्ड कोर मामला है। हाँ, ये 100% वाला केस है जिसमें एक सरकारी, छोड़िए वो डॉक्टर है, ये एक सेकंड के लिए शब्द हटाइए सोनी जी, मेरी बात को समझिएगा, सरकार में इसको पीट करिएगा जाके, आप हटाइए वो डॉक्टर, आप इसको, इस केस को लीजिए, एक सरकारी कर्मचारी ने ड्यूटी में आपराधिक उपेक्षा का भाव दिखाया, क्रिमिनल निग्लिजेंस दिखाई, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं, उसी को बोलते हैं क्रिमिनल निग्लिजेंस, आपराधिक उपेक्षा कार्य की, ठीक है ना, जिससे एक व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती थी, ये मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार है। इसमें क्या दिक्कत है सोनी जी? बिल्कुल। ये जांच और सस्पेंशन का ड्रामा कब तक होगा भाई? ये अल्लाह खुदा परमेश्वर मत बताइए किसी को ना। सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर की मर्यादा में रहें, स्कूल में मास्टर पढ़ाए, अस्पताल में डॉक्टर तमीज से काम करें, सड़क पर सिपाही काम करता दिखे हमको, यही नहीं चाहिए हमको राजस्थान में सुशासन सोनी जी? और क्या सुशासन चाहिए? यही चाहिए ना। पटवारी ठीक से यह देखे कि जिन जिन खेत में नुकसान हुआ उनकी रिपोर्ट ईमानदारी से जाए, इसी बात की तनख्वाह है ना उसकी सोनी जी? ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ
इस कोण से मुकदमा क्यों नहीं लिखाया जाता क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी? सोनी साहब जी बिल्कुल अमिताभ जी, निश्चित तौर पे ये एक, मैंने ये नहीं कहा कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाए, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनको मैं रात दिन देखता हूँ, और जयपुर के एसएमएस कैंसर वार्ड के अंदर मैंने देखा है डॉक्टर्स रात दिन मरीज की सेवा करते हैं, तो लगता है कि भगवान का रूप है। ऐसे लोग जब सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, तो उदाहरण सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और दंड भी आपराधिक दृष्टि से देना चाहिए। सोनी साहब, जो आदमी मंत्री का ओएसडी होता है ना, है मंत्री मुख्यमंत्री जो ओएसडी एपीएस पीएस होते हैं ना, वो 18 घंटे मेहनत करते हैं, तनख्वाह ले रहे ना इसी बात की, कोई धर्म धर्म का काम तो कर नहीं रहे, नहीं ना, क्या दिक्कत है? आप इसी बात पर नियुक्त हुए हैं भाई, इसी सेवा शर्तों के अधीन तो आपने नियुक्ति स्वीकार की है, फिर क्या समस्या है? क्या कई सेवा शर्तें जब डॉक्टर भर्ती होता ये होता है भाई इतने डिटोरिएशन वाला मरीज आएगा तो नहीं देखेंगे, उसको संचारी रोग होगा तो नहीं देखेंगे, स्वाइन फ्लू होगा तो नहीं देखेंगे, सेना में जब आदमी भर्ती होता तो ये बोलता है कि मेरी जान खतरे में होगी तो मैं भागाऊंगा, नहीं ना, अब क्यों आए डॉक्टरी में? किसी सैनिक ने ये कहा कि मेरी जान खतरे में होगी तो नहीं जाऊंगा, कि शांति होगी तो नौकरी करूंगा, गोली चलेगी सीमा पर तो भाग जाऊंगा? सोनी साहब बोला कभी? बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर कैसे बोल सकता, वो भी सैलरी ले रहा भाई। सोनी साहब तनख्वाह ले रहे हैं ना, ये मतलब धार्मिक कार्य है क्या? नहीं ना, धार्मिक कार्य तो नहीं ना। निशा पारिक जी, जी राजस्थान के आम लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह जाती है, फिर कोई आदमी अपने काम से इनकार करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, सिपाही हो, दरोगा हो, बाबू हो, एडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, कोई हो, ये कार्रवाई नहीं होती है सर। इसी वजह से तो ये आपराधिक जो बातें हैं, गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें होती है, इसीलिए बढ़ जाती है, क्योंकि हम कई बार ये चीज देखी है कि एक पद को ध्यान में रखते हुए, हमारी पर्सनल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं हो पाती है, या फिर कोई गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी रिपोर्ट पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इन सारी कारणों की वजह से आज अगर वो रिपोर्ट दर्ज भी करवाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे ही बढ़ावा मिलता है इन सारी चीजों का। इस पर एक सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने ऐसा किया है तो अपने स्तर पर उस पर केस दर्ज करवाए, उसको जल्दी से जल्दी उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसके लिए उसे किसी भी रूप में, चाहे वो उसको टर्मिनेट करें या उसको कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाए, या किसी भी रूप में उसे एहसास होना चाहिए कि मैंने ये गलती करी और समाज हित में मेरे द्वारा जो किया गया काम है वो पूरी तरह से गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। मीणा साहब, डॉक्टर भी डॉक्टर भी उतना ही सरकारी मुलाजिम है, न कम न ज्यादा, जितना तहसीलदार है, जितना सिपाही है, जितना दरोगा है, जितना टीआई है, जितना एसपी है, जितना मास्टर है, जितना सचिवालय में बैठने वाले बाबू है, जितना होमगार्ड है, ठीक उतना ही वो भी है। आप अपने नियत कार्य से इनकार करते हैं तो ये सेवा शर्तों का उल्लंघन हो जाता है, और अगर उस सेवा शर्तों के उल्लंघन से किसी की जान जा सकती है तो फिर इसको बोलते हैं क्रिमिनल निग्लिजेंस। एम आई राइट? देख बिल्कुल सही है अमिताभ सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज आप मेरी बात सुने। जी बिल्कुल सुने। आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के पत्रकार हैं, बड़ा चैनल भी चलाते हैं, सारी बातें जोरदार तरीके से आपने कही, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जी। इस बुलेटिन के आधे घंटे के टाइम में आपने 15 मिनट जोरदार तरीके से आपने सारा पक्ष रखा। हाँ। इन सब चीजों में मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार को ऐसा लगता है किसी भी इंसिडेंट में अगर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई नेग्लिजेंसी बनती है या किसी तरह का वो है, तो उसमें सरकार अपने स्तर पर उसका एक्शन लेती भी है और लेना चाहिए। पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के मरीज थिएटर में आते हैं, जिनकी बड़ी आंत के अंदर ब्लॉक हो जाता है, उनकी प्रात और पोटी भर भर के डॉक्टर निकालता है। मैं खुद एनेस्थीसिया से एमडी हूं, मैं इस बात का गांव हूं, पूरा ऊटी सड़ता रहता है, और उसकी जो लैट्रिन है वो परात भर भर के निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक वो नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि मुरारी बापू सोशल काम कर लेंगे, मुरारी बापू अगर सोशल काम कर लेंगे या सोशल मोटिवेशन दे देंगे, तो डॉक्टर्स को सोशल मोटिवेशन क्यों नहीं चाहिए?
कल एक प्रोग्राम था एसएमएस के अंदर, जिसके अंदर एक एनजीओ ने सेवाएं के हिसाब से उसमें अपनी विलिंगली गरीब मरीजों के लिए, पीड़ित मरीजों के लिए अपनी सेवा का उन्होंने प्रस्ताव रखा और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे राजीव अरोड़ा का प्रोग्राम मैं मेरे को इसका ज्यादा लंबा चौड़ा पता नहीं, पर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर कहीं पे अगर कोई आदमी मानसिक रूप से अगर इस बात को नहीं लेता गंभीरता से, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उसको भी अपनी ड्यूटी है उसको याद दिलाया जाए। मैं इस बात के मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने जो कहा है गवर्नमेंट का पैसा ले रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज गरीब आदमी है, उसके पास में इतनी बरसात होगी उसके पास खाने को रोटी नहीं है, आप मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आपको काम करना चाहिए, गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए, मरीज की भी सेवा करनी चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत उसमें भी कोई इफेक्ट बर्स नहीं है, आपको सेवा करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप काम करके अगर आपका अगर मानवीय पहलू भी अगर साथ में रखते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, इसमें ना भगवान बनने की बात है ना भगवान समझने की बात है, और कोई आदमी इसको ये नहीं कहता कि साहब भगवान समझो या भगवान मानो। मैं बता रहा हूँ सोसाइटी में वैरायटी ऑफ द डॉक्टर्स आर देयर, आपने बिल्कुल मैं बताऊँ आपको, मेरी बात सुनो, अच्छी इतने अच्छे भी डॉक्टर है, मैं कह रहा हूँ मैं खुद आज फैकल्टी में हूँ, मैं समझता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से कम नहीं है। तो सोसाइटी में अगर कोई आदमी डेविटेड है, अगर वो मानसिक रूप से अगर उसके ये सोच क्लियर नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी एक सीमित जिंदगी होती है, 150 साल आदमी जिंदगी जीता है, अपने को गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, और मेडिकल प्रोफेशन में पैसे के अलावा है क्या, गरीब आदमी की सेवा और उसकी जो दवाएं मिलती है उससे मैं कह रहा हूं वो सारी बदबू खुशबू में बदल जाती है, आदमी के चेहरे के चमक जब होती है जब गरीबों को दवाएं होती है। तो मैं कहता हूं कि भाई जिसने भी कोई गलती अगर मान लो की है, जैसा आपके चैनल के माध्यम से आप पता लगा, अगर गलती की है तो उसको अपनी तत्परता से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और उस आदमी से दुखी इस संसार में कोई नहीं होता जिसके पास में इस तरह की डिजीजेज है, लाइक किडनी डिजीजेज, लाइक आपका कैंसर है। मीरा साहब आपने जो बात कही, काश आप जो सोच रखते हैं तमाम डॉक्टर्स अगर वही सोच रख लेते तो शायद हमें आज इस विषय को लेकर नहीं आना पड़ता, चीजें होती हैं। अगर उस बीकानेर अगर सोनी साहब अगर ये एक केस होता ना आइसोलेशन का तो भी मैं इस पर बिग बुलेटिन नहीं रखता। मैंने कहा ना तमाम घटनाएं मेरे चलचित्र की तरह मेरे दिमाग पर कौंध गई, हाल की एक से एक बढ़ के शर्मनाक घटनाएं। इसलिए अब समय आ गया है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत किए जाए, अब बल तो अच्छे काम के लिए नौकरी पे रखे जाते हैं, सामान्य काम और खराब काम के लिए तो नौकरी होती नहीं। अगर आप नौकरी में हैं तो अच्छा काम करें, इसी के लिए नौकरी पे हैं, इसमें कोई अतिरिक्त वो नहीं है, अच्छा काम करें इसीलिए नौकरी होती है, नौकरी मटर गश्ती के लिए तो किसी की भी नहीं। मैंने 10 प्रोफेशन गिनाए सरकार के 20। मूल प्रश्न है सोनी साहब मेरा, जो लोग इस ढंग की आपराधिक उपेक्षा कर रहे हैं जिनसे व्यक्ति की जान का खतरा हो जाए उनके खिलाफ क्या केवल निलंबन ही एकमात्र कार्रवाई होती है? सोनी साहब देखिए, निलंबन तो एक प्रारंभिक कार्रवाई है, कोई भी कार्रवाई होती है उसकी जांच होती है और निश्चित प्रक्रिया दूसरे पक्ष का पक्ष जानने के बाद ही कार्रवाई होती है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ राजस्थान सरकार की तरफ से कि राजस्थान सरकार हर दुखियारे मरीज की सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है, और निश्चित तौर पर पिछले 3 महीनों से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की प्रकाशित हुई है, सामने मामले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है पहली बार, और आगे भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो डॉक्टर रहा हो, चाहे वो पुलिस का कर्मी रहा हो, चाहे वो ठेकेदार रहा हो, चाहे वो माफिया रहा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये विश्वास उस आधार पर दिलवाना चाह रहा हूं जिस आधार पर हमने कार्रवाई की है, चाहे वो बीकानेर की घटना रही हो, चाहे वो ट्रोमा हॉस्पिटल की घटना रही हो, चाहे वो कोटा की घटना रही हो, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो बड़ी बात अमिताभ जी ने बताई है, निश्चित तौर पर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, मैं सरकार ठीक है सोनी साहब करूंगा मिलकर के बात ठीक है ठीक है, और निश्चित तौर पे जो कार्रवाई है वो और कड़ी देने का हम संदेश चलिए बिल्कुल हम उम्मीद यही करेंगे कि आप करें। निशा पारिक जी, जब इस तरह की घटनाएं आती है वो टैग लगता है कि भगवान है इंसान के लिए, तो भगवान उस शख्स है जो उसकी जान बचा ले, चाहे वो डॉक्टर हो, सड़क पर चलता कोई आदमी हो, चाहे पुलिस वाला हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है जी, और जिस वक्त किसी व्यक्ति ने उठाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो उसके लिए पहला प्राण रक्षक तो वो व्यक्ति हो गया जिसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, सेकेंडरी डॉक्टर की आती है कि उसने बचाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जो पेशा है ये इंसान की रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जहां मरीज के घाव में कीड़े हो गए हैं, इस स्थिति में कि जहां साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है,
वहां जाकर जब इस तरह का जवाब दे दिया जाए तो शायद ये गलत है कि भगवान कहा जाए, जैसा कि अमिताभ कांत ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। बिल्कुल, मेरा छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त हमारा खत्म होने वाला है। ऐसे मामले सरकारी अस्पतालों में ही क्यों आते हैं? क्या सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के जहन में कोई चीजें चलती हैं? क्योंकि आप बेहतर समझ सकते हैं कि हम इलाज करें ना करें हमारी तनख्वाह तो आनी है। मैं सरकारी और प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं तो अमिताभ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि समाज के अंदर इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको आप लोगों के सामने लाते हैं, और इससे डॉक्टर्स ही नहीं बाकी जिस भी पर्टिकुलर जो सेवाएं उन्होंने वर्णित की है उसमें अगर कोई भी अगर इस तरह का इनसेंसिटिव मामला है तो उसमें लोगों को मोटिवेशन लगे और अपनी जिम्मेदारी समझे। और एक जो मोटी तनख्वाह वो घर पे ले जा रहे हैं, जो घर चलाने के लिए तनख्वाह ले जा रहे हैं, उसका पूर्णतः उसका सदुपयोग हो, पब्लिक को उतनी सेवाएं मिले, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। देखिए मैं इस विषय को बड़े फलक पर ले जा रहा हूं। जो आदमी ट्रैफिक में सिपाही भर्ती हो रहा राजस्थान सरकार में, सोनी जी आपको मुखातिब हूं, आप जरूर सुनिएगा, है ना, और हो सके तो ये बात राजेंद्र जी तक पहुंचाइए और बाकी बड़े मंत्रियों तक समझाइए। वो आदमी 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी सड़क पर खड़ा होगा ना, सोच समझ के होशो हवास में नौकरी ज्वाइन कर रहा है, उसको पता है उसके कार्य की प्रकृति क्या है, पता होता है ना। तो जब पता है तब क्या दिक्कत है, कोई ब्लाइंड तो खेल नहीं रहे, जान बूझकर आ रहे ना उस पेशे में, सोच समझकर। तो उस पेशे की जो दुश्वारियां हैं वो भी आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी, इसमें क्या दिक्कत है मत आइए भाई, इसमें क्या समस्या क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहां पर समस्या आ रही है। जब हम डॉक्टर होते हैं तो जिस भी विभाग के डॉक्टर है उस विभाग से जुड़ी जितनी शरीर के व्यवधान है उन सबका इलाज करेंगे आप, और स्वस्थ मनुष्य तो आएगा नहीं अस्पताल में, जो आएगा वो विचित्र स्थिति में ही आएगा, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। उस सिपाही भी तनख्वाह ले रहा नहीं इसी बात की, कहीं दंडा होता है तो दरोगा सिपाही इंस्पेक्टर वहां जाते हैं ना, कूदते हैं ना, वो भी कल को कह सकते कि मेरी जान खतरे में हो सकती है। अरे भाई तो आप क्यों आए, आप स्कूल में मास्टरी ज्वाइन करते, बैंक में नौकरी करते, आप तो किसने कहा आप सिपाही बनो। अब सिपाही के पीछे तो सिपाही नहीं लगाया जाएगा गनर, बहुत साफ समझिए। मैं उन सब लोगों के सख्त खिलाफ हूं जो सार्वजनिक उसका पैसा लेते हैं, जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में लेते हैं और कार्य में प्रमाद करते हैं। सोनी साहब, वो विधायक हो, वो मंत्री हो, वो सांसद हो, वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, चपरासी हो, लेखपाल हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, कोई हो, जो जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से तनख्वाह लेते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। नैतिकता का मसला ना छोड़ दीजिए, नैतिकता वाले बड़े कद के लोग तो अब बहुत ढूंढ मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने से उसके लिए तो चिराग लेके ढूंढना पड़ता है। बौने लोगों का समाज है ये, अब बौने लोगों का, छोटे छोटे लाभ के लिए षड्यंत्र करने वालों का समाज, छोटे छोटे लाभ पर समझौता करने वालों का समाज। जब हम लोग खून बेचने लगे ब्लड बैंक में और दलालों के हाथ में सौंप दे ब्लड बैंक, तो हम उस समाज पर क्या बोले। वो बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, अब गौतम और गांधी और सुभाष चंद्र बोस की छोड़ दीजिए उन बातों को, इसीलिए मैंने कहा ये सब टैग हटाइए, ये टैग नहीं चलेंगे। अब खांटी बात हिंदी में, देसी बात, तनख्वाह लेते हो पूरा काम क्यों नहीं करते हो, बस इतना सा सवाल है मेरा। सोनी साहब इसमें तो जनता की तरफ से कोई नाजायज मांग करने रहा, मैं इतना हक तो है जनता का, आप तनख्वाह लेंगे तो आपको इलाज करना पड़ेगा, कीड़े पड़ा मरीज आए, ये छत मरीज आए, एक्सीडेंट में लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको देख ले तो मूर्छित हो जाए, लेकिन डॉक्टर को इलाज करना है, यही उसका पेशा है बाबा। सरकारी कर्मचारियों में सफाई कर्मचारी भी हैं, वो लोग भी काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, और उसे में कलेक्टर भी होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है। आप अपने कार्य को चुनते हैं अपने होशो हवास में, इसलिए उसके बाद उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। और घटनाएं चूंकि लगातार घट रही है सोनी साहब,
इसलिए जिम्मेदारी शासन की है कि इन पर निर्णायक रोक लगनी चाहिए। हम अलवर के बाद बीकानेर और बीकानेर के बाद बाड़मेर के शोक संदेश रोज पढ़े, यह अच्छी बात नहीं, ये शर्म की बात नहीं क्या कि हमको हर चौथे दिन ऐसे मसले पर बिग बुलेटिन करना पड़ता है आके, और हर बार हम वही बातें वही जुमले भगवान सेवा मानवता परोपकार करके इतिश्री कर लेते अपने कर्तव्यों की, नहीं, ये चलन हो गया है, ये चलन बंद होना चाहिए, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कहा मैं डॉक्टरों के विरुद्ध नहीं, जो भी कर्मचारी सरकार का है वो कार्य में प्रमाद करे तो उसको निर्णायक दंड मिलना चाहिए, वो कितना भी बड़े पद पर बैठा हो चाहे छोटे पद पर बैठा हो। छोटे पद वाले को एक बार डांट के भी छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े पद वाले को दंड दीजिए। चाणक्य ने कहा बड़े अधिकारी को दंड मिलता है तो 100 कर्मचारियों तक संदेश जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कंपाउंडर की सजा कम है मेरी निगाह में, डॉक्टर की सजा ज्यादा, और उससे ज्यादा सजा होनी चाहिए जो चिकित्सा अधीक्षक हो उसकी, जिसके ऊपर व्यवस्था की जिम्मेदारी हो उस अस्पताल में। कुछ उदाहरण सेट कर दीजिए, राजस्थान में अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी, अन्यथा हम बीकानेर पर रोके चुकेंगे तो अलवर आ जाएगा, ऐसे कब तक चलेगा? जनता आपसे भी पूछती है, जनता हमसे भी पूछती है, इसका समाधान खोजिए, क्योंकि आप जनता के प्रति आप जवाबदार हैं। एमएस जवाबदार नहीं, हेल्थ सेक्रेटरी जवाबदार नहीं, वोट लेने आप जाएंगे और वोट लेने आप गए थे, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। सुरेश सोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बीपी मीणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, निशा पारिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।